हाय फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल रांची ब्लॉगर शिवांगड़ी। और गाइस, तो मैं हूं आपका दोस्त और इस चैनल का प्यारा होस्ट शिवांगड़ी। यार दोस्तों, अभी मैं ब्लॉग स्टार्ट कर रहा हूं, आधा रास्ता था। जैसा कि आपने टाइटल और थंबनेल देखा तो आपने सही देखा, हमने अभी हम लोग वहीं जा रहे हैं। और फिलहाल अभी हूं मैं डिवडी के पास और यहां अनमोल कुजूर भैया का वेट कर रहा हूं। और साथ ही में आ रहे मेरे कुछ फ्रेंड्स जो कि अभी पीछे ही है, आयुष और प्रियांश सर, जैसा कि आप जानते हैं। और आदि लोग आया है रिंग रोड पकड़कर, वो लोग शायद मीटअप लोकेशन में पहुंचा या नहीं पहुंचा, लेकिन बोल रहे कि पहुंच गया है। तो यहां से अभी मीटअप लोकेशन हमारा 9 किलोमीटर है, फिर वहां से हमें जाना है। तो अभी मैंने पहले इन लोग आने का वेट करते, उसके बाद फिर से यहाँ से कंटिन्यू करते। और आधा रास्ता से इसलिए ब्लॉग स्टार्ट किया क्योंकि ब्लॉग काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाता है, फिर बल्गर हो जाता है वगैरह वगैरह जो भी होता है। तो यहीं तक कंटिन्यू करते हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे अभी प्रियांश सर आ गए हैं, सोरा इनका चेहरा नहीं दिख रहा है, थोड़ा सा 5 मिनट लेट है। और यहाँ पे अनमोल भैया भी आ चुके हैं और यहाँ पे आयुष सर भी। तो अभी हम लोग यहाँ से चलेंगे क्योंकि आदि लोग पहुँच चुका है, अभी फ़ोन किया था। तो चलिए अब चलते हैं। 1 hour later। तो दोस्तों, अभी हम आयुष, प्रियांश और अनमोल भैया सब सतरंजी पुल का नीचे खड़े हैं। तो ये हमारा जो सामने सीधा जाएगा वो खुट्टी चल जाएगा और वहाँ से एक हमें राइट कट लेना है जो कि दशम फॉल तरफ चल जाएगा। और आदि और उसका गैंग पूरा जोश जोश में थोड़ा ज्यादा ही उत्साहित होके कुछ ज्यादा ही 4-5 किलोमीटर आगे चल गया। तो वो लोग बोला हम लोग को आगे मिलेगा। तो अब हम लोग यहाँ से अपने राइड को कंटिन्यू करते हैं। और यहाँ पे मैंने अपना SJKM को यहाँ पे माउंट कर लिया है, तो अभी आपको आगे रोड का व्यू इसी से देखने के लिए मिलेगा, तो इंजॉय कीजिएगा। तो चलिए आप फटाफट से टाइम लैप्स के सहारे दशम फॉल चलते हैं। तो चलिए चलते हैं, बढ़ते हैं आगे, आपसे आगे मिलेंगे। यो यो तो दोस्तों, आदि लोग लगभग हम लोग से 6 किलोमीटर आगे चल रहा है और हम लोग 4 कोई थोड़ा सा पीछे चल रहे हैं 6 किलोमीटर। तो हमारा अभी हम करंटली एक जगह पे पहुंचे हैं और इसे क्या बोलते हैं, हातुदामी एक जगह है। तो अभी यहां से दशम फॉल अराउंड 17 किलोमीटर है। तो अब पहुंचते हैं और 6:30 बज गया, आज धूप भी काफ़ी ज़्यादा तेज निकल चुका है। तो अब हालांकि यहाँ पर देख सकते हो ये टाइम लैप्स बन रहा है जैसा कि अभी आप देखे होंगे। तो अभी आगे भी टाइम लैप्स बनेगा, दशम फल तक टाइम लैप्स ही बनेगा, तो थोड़ा उसको एंजॉय करते रहना। और दशम फल मिलने के बाद तगड़ा वाला व्लॉगिंग करता है, ठीक है ना, तो जुड़े रहना। तो दोस्तों, अब यहाँ से आप सामने जो देख सकते हो ये पहाड़ और पूरा जंगल दिख रहा है, हमें यहीं चढ़ना है। और टॉप व्यू पॉइंट यहीं पे है दशम फॉल का ऊपर ही में, तो वहाँ से हमें टॉप व्यू पॉइंट देखना है। और ये क्या खूबसूरत नज़ारा है, हालांकि थोड़ा सा सूरज निकल गया है, उससे कोई दिक्कत नहीं है, बस थोड़ा सा कहर बढ़ पाएगी। और ये देखो नज़ारा, देखो ये जो आप नदी देख रहे हो ना, ये जो नदी जो बह रही है
ये इसी तरफ आगे जाके दशम फॉल होती है, मतलब जो फॉल है ना वो आगे ही है, दशम फॉल कुछ 500 मीटर पे आगे है। और हमें इधर टॉप व्यू पॉइंट पे जाना, और ये पूरा जंगल ही जंगल है। अभी जैसा कि आपने फ्रंट कैमरा से यानी मेरा एक्शन कैमरा से नज़ारा देखा होगा, हालांकि वो रोड का साथ सिर्फ, लेकिन एक बार मैं आपको यहाँ से दिखा रहा हूँ अपने फ़ोन के कैमरा से, और काफ़ी सुंदर। और देखो नदियाँ काफ़ी बह रही हैं, बिकॉज अभी 10 दिनों से पूरी बारिश हो रही थी। ये रहा, देख लो। तो चढ़ाई है, चढ़ाई चढ़ने के बाद आपसे बात करते हैं। यहाँ पर आयुष बहुत चढ़ते हुए, बहुत धीरे धीरे, हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब है, बिकॉज आप चढ़ाई देख सकते हो। एक बार देखो, बहुत ही ज़्यादा चढ़ाई है, थोड़ा कैमरा में क्लियर नहीं हो पा रहा होगा। और देखो आज का शूटिंग इससे हो रहा है पूरा, मतलब जितना भी अभी आपने व्यू देखा सिर्फ यहाँ से। आज मैंने इसे माउंट कर दिया, बिकॉज पिछली बार कैमरा के चलते पतरातू घाटी में मेरा ब्रेक टूट गया था और मैं मरते मरते बचा था, इसलिए इस बार इसको परमानेंटली फिक्स कर दिया। यस सर। और हमें छोड़ के प्रियांश सर कहाँ चल गए सर? ओहो, थोड़ा आयुष भाई ज्यादा ही थक गए हैं, इसीलिए रोड में लेट गए हैं। रोड रोमियो हो चुके, रोड रोमियो हो चुके, सड़क छाप मजनू। तो दोस्तों एक बार आप यहाँ का व्यू देखो, एक बार व्यू देखो, क्या ही व्यू आ रहा है, एक बार देख लो, चारों तरफ जंगल। और बस हम लोग कुछ ही दूर है और आदि लोग लोकेशन पे पहुँच गया है। और मतलब आई मीन 500 मीटर आगे हम लोग से। ओ, मतलब प्रियांश सर भी हल्का ही आगे है, थोड़ा सा वो जल्दी जल्दी में आ गए थे, हालांकि अब हम लोग ज्यादा दूर नहीं है, तो यहाँ एक आध दो फोटो शूट कराते हैं। चलिए भैया, रुक जाए रुक जाए, ऐसे नहीं होगा। 11 मिनट्स लेटर। तो दोस्तों अपने साथ एक बहुत ही बड़ा हंगामा हो गया, स्कैम हो गया, स्कैम 1991 हो गया। हमें जाना था टॉप व्यू पॉइंट जहाँ पे सब पहुँच चुके हैं, प्रियांश आदि और वगैरह जितना भी लोग आए हैं, और हम लोग तीनों, हम अनमोल भैया और पीछे आयुष, हम लोग तीनों चल गए मेन दशम फॉल। और अब हम फिर से चढ़ाई चढ़ना पड़ रहा है, और ये खड़ी चढ़ाई है यार, हालत खराब हो रहा है, सही बन रहा है। इधर क्या, और Very boring minutes later. तो दोस्तों अभी ये काफी खड़ा चढ़ाई है जो कि हमें दशम फॉल टॉप व्यू पॉइंट पे ले जा रही है, और यहाँ से लगभग 2 किलोमीटर है। हालत खराब है, तीनों को तो हालत खराब है, मतलब मेरा, अनमोल भैया, रवि जसवाल कदवा, पंचर हो गया दिमाग मेरा, अच्छी पंजर ढीला हो गया। और हम लोग तो फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं टॉप व्यू पॉइंट, और पीछे देख रहे हो ये पूरा जो पीछे देख रहे हो ना वही है दशम फॉल, और हम लोग खड़े हैं पूरा टॉप पे। तो मतलब यहाँ से लगभग हाइट होगी अराउंड आई थिंक 100 फीट से ज़्यादा है, और हम लोग ये पूरा टॉप व्यू पॉइंट में खड़े हैं, बिकॉज हमने प्लान बनाया था कि टॉप व्यू पॉइंट से देखा जाए। और हमारे सारे दोस्त आगे जा चुके हैं यहाँ से भी, मतलब ये जो नदी फॉल हो रहा है, फिर नदी जो आगे जा रहा है ना उधर, उस तरफ जो जा रही है, आगे जाके एक और फॉल होती है जिसे रिमिक्स फॉल कहते हैं, और वहाँ पे आप सी वाला वाइब्स ले सकते हैं, बिकॉज नदी के किनारे बहुत सारा रेत मिलेगा, वहाँ पे आप लेट सकते हो, इंजॉय कर सकते हो, और वहाँ पे आप नहा भी सकते हो, बिकॉज वहाँ पे गहरा कम होगा। और हालांकि जो दशम फॉल है ना, ये झारखंड का वन ऑफ द बहुत ही खतरनाक फॉल है, मतलब काफ़ी बदनाम फॉल है एक तरह से बोल सकते हैं। और अभी हम लोग वहीं पे खड़े हैं, मतलब टॉप पे, और पीछे पूरा देख रहे हो सिर्फ घना जंगल है, चारों तरफ पहाड़ और घना जंगल। तो थोड़ा ऐसे में मेरा थोड़ा सा एसडी कैम का बैटरी भी कम हो गया है, तो और ये यहाँ पे माउंट है जैसा कि आप देख सकते हो, ये यहाँ माउंट है। तो देखता हूँ सिनेमैटिक्स, और इससे भी थोड़ा एक आध दो व्लॉगिंग करने की कोशिश करता हूँ, हालांकि इससे रास्ता का बहुत सारा वीडियो बनाया है मैंने। तो चलिए आगे जुड़े रहिए, और दोस्त लोग से अभी भी नहीं मिले हैं, अभी भी नहीं, वो लोग आगे चल गया रिमिक्स फॉल। तो अभी देखते हैं क्या प्लान बनता है, हालांकि अभी हम लोग बहुत ही ज़्यादा थक चुके हैं, बहुत ही ज़्यादा, मतलब काफ़ी बड़ी चढ़ाई थी, मतलब देख रहे हो ना। अभी मैं दिखाता हूँ कि हम लोग कहाँ से आए थे। तो हम लोग अभी जो गए थे वो देखो, यहाँ पे रोड है, क्लियरली नहीं दिख रहा लेकिन यहाँ रोड है, देखो जैसा कि आप देख सकते हो वहीं से रोड है। और हम लोग पूरा वहाँ से घूम करके जंगल से बीच होते हुए ये पहाड़ चढ़ के हम लोग यहाँ तक पहुँचे, यहाँ तक, और काफ़ी ज़्यादा थक गए हैं।
और अब थोड़ा सिनेमैटिक सब बनाते हैं अपने ऐसे कैम को निकाल करके, और थोड़ा देर यहीं पे बैठते हैं और देखते हैं आगे हमें रिमिक्स फॉल जाना है कि नहीं अपने दोस्तों के पास, या फिर शायद यहीं तक बैठेंगे क्योंकि थक तो कुछ ज़्यादा गई है दोस्तों। और यहाँ पे आयुष ब्रो से हाय। तो ये थोड़ा अपना घर में बिजी मम्मी लोग से, और वहाँ अनमोल भैया भी है वो देख सकते हो आप। तो सब हम लोग इंजॉय कर रहे हैं लेकिन थोड़ा सा थक गए हैं, तो अब थोड़ा सिनेमैटिक सब बनाने के बाद मिलते हैं आपसे। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि ये छोटा सा सिनेमैटिक वीडियो उतना कोई खास नहीं था मेरे नजरिए से, कैसा लगता है इसको? बहुत मतलब क्या बोले, बहुत थक गए हैं इसलिए कोशिश किया सिनेमैटिक बनाने का। और अभी हम लोग जा रहे हैं आगे जहाँ हमारे दोस्त लोग पहुँच चुके हैं यहाँ से निकलने के बाद, यानी 1 किलोमीटर है और वो भी ढलान है, लेकिन उधर से जब चढ़ना पड़ेगा तब तो बहुत ही ज्यादा क्या ही बोले वो आपको पता चल जाएगा चेहरा की हालत से। हालांकि अभी भी चेहरे की हालत काफी ज्यादा खराब है। तो चलिए अब रिमिक्स फॉल चलते हैं और डीजे रिमिक्स करते हैं। डीजे आयुष, डीजे अनमोल कुजूर, डीजे सिवान की टू रिमिक्स, रांची ब्लॉगर डीजे जो। तो चलिए यार अब चलते हैं फटाफट से। वेरी बोरिंग मिनट्स लेटर। तो दोस्तों अभी हम लोग रिमिक्स फॉल पहुंच चुके हैं और ये यहाँ का देखो नजारा पूरा सी वाला आ रहा है जैसा कि देख सकते हो, और यहाँ पे आदि जतरा लगाए हुए है। तो अभी हम लोग अंडर वाटर शूट करेंगे और अंडर वाटर करने के लिए तैयार हो जाओ दोस्तों। ये जल्दी चलो। हाँ, और ये मेरा सब्सक्राइबर है, मतलब पिछला 2 हफ्ता से मुझे कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा था हमारे साथ संडे। कोशिश कर लिया। हाँ, कोशिश तो किया पर थोड़ा सा दूर था, मतलब 2 संडे राइड में भाई ने बोला कि हमारे साथ जाएंगे, लेकिन इनको आज चांस मिला और आज आए। भाई कैसा लग रहा है मेरे गैंग के साथ? बहुत मस्त। तो चलो अब इंजॉय करते हैं पानी में। तो दोस्तों अब धीरे धीरे हम लोग पानी में जा रहे हैं, गहरा तो नहीं लगा, यूज करिए आप भी। तो ये लोग हथियार लेके आए, मतलब ये लोग साउथ का फिल्म बना रहे हैं। ये आयुष दा, चलो सर आया, देखिए चलो एक बार पोज दे दीजिए। काट डालेगा इससे फोटो अभी ले आएगा, अभी कैश में पैक अपन काट डालेगा, सबको अपन सबको काटेगा। ओके काटेगा कुछ भी। हाँ तो अब एक बार अंडर वाटर जाते हैं, तो वो बना लो सिनेमैटिक। तो अब एक बार 2-1 तो दोस्तों अब इसका थोड़ा देखिए क्या कला किए हैं हम लोग के आने से पहले। ये लोग मतलब क्या ही बोले, ये लोग टैलेंटेड आदमी है। तो चलिए अब अंडर वाटर शूट करते हैं। आपको जुड़ता पूरा बॉडी दिखा सर, बॉडी आगे था, बॉडी गदवा लेट्स चल फिल्म। दोस्तों एक बार आपको फील कराते हैं अंडर वाटर। रुक रुक
कमी है तो गा लेते हैं, आज ब्लू है पानी 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 आज नॉर्मल नहाने धोने की एकदम पर है, मतलब समुद्री मजा आ रहा है कि नहीं एकदम। अरे एकदम भाई, आइए तो सर, तो भैया का भी ईयरफोन एक बार दिखा दीजिए। बर्बाद बर्बाद देख रहे यूट्यूब वीडियो बनाने का। देख ले पहले आई कार्ड है, रुक एक बोलेंगे नीचे जाएंगे जय माता दी। यार देखिए, अरे गजब है, दारू वाला पत्थर है ये तो। अरे देखिए वो देखिए 360 मार रहा है भाई, लोग दिख रहा है कि नहीं। अरे देख रही है पैरालाइसिस हो गया। तीन की गिनती पे अंदर, एक दो तीन। यहाँ 50 किलोमीटर 50 नहीं 55 वो भी साइकिल से। साइकिल साइकिल से आया सनम, साइकिल से रे रांची से रंग किला तेरे लिए जाएंगे मिट जाएंगे रे सनम थोड़ा। एक नंबर आई तो बस सोच ने कहा आदि आप ही को लद्दाख जाएंगे आप ही अपने आप को पर परिवर्तन परी हूँ मैं तेरे लिए परी हूँ मैं मेरे लिए इसके लिए परी हम लोग का वीडियो बना। अरे निपा सला निपा 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 निधि आप लोग साइकिल को घुमाएगा। निपा क्या निधि पास ऐसे ना उन लोग हिमालय को डुबाएंगे तो कहाँ निकालेंगे। अबे बंद हो गया कि कहाँ चल रहा था तू। तो दोस्तों रिमिक्स बॉल में एंजॉय कर रहे हैं, आपको कैसा लगा एक एक रिव्यू? बहुत मजा लगा भाई। कैसा लगा सर, कैसा लगा, 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 वेरी 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 नाइस। दादा कैसा लगा, कैसा क्रेडिट क्रेडिट चेक करें, फिर भी अपना क्रेडिट चेक करें। दादा कैसा लगा, कैसा लगा? इतना मजा आया ना दादा, कैसा लगा? बहुत लगा दादा, दादा दादा बहुत बहुत दादा 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 कैसा लगा? कहे क्या लड़की छोड़ दी, धोखा दे ठुकरा के मेरे। नहीं सब सब नहीं है मेरे पास, वो सब नहीं है। मुख बधिर आदमी की जरूर मदद है, आपसे तहे दिल से मिलो। तो अब समय आ चुका है रिमिक्स फॉल को बाय बाय बोलने के लिए, और देखो क्या आवाज आ रही है। और क्या काफी चौड़ा नदी है ये, मतलब इसके इधर ही है इस तरफ दसम फॉल, और वहाँ से जो नदी बह रही है वही है। और आगे हम लोग चिल कर रहे थे वहाँ पे, तो आप चलते हैं घर और खाते पीते हैं थोड़ा रास्ता में, उसके बाद मिलते हैं आपसे। तो दोस्तों जैसा कि आपने देखा था दसम टॉप व्यू पॉइंट दसम फॉल का, तो वहाँ से ये जो रिमिक्स फॉल था, ये जो रास्ता है और ये जो रास्ता है ये लगभग 1.5 किलोमीटर था, और वहाँ से सिर्फ ढलान था। आपको पैडल मारने की ज़रूरत नहीं, आपकी साइकिल की रफ्तार होगी।
35 से 40, 40 की रफ्तार तो पक्का। और मुझे उस समय लग रहा था बहुत ही ज़्यादा डर, बिकॉज पतरातू घाटी में भी मेरा ब्रेक टूटा था, और बहुत ज़्यादा खुशी भी हो रहा था क्योंकि सिर्फ ढलान था, पैडल मारने की जरूरत नहीं पड़ रही थी और साइकिल अपने ही ढलान पर ढल रहा था। पर अब हाल ऐसा है कि ये पहाड़ी हमें पूरी चढ़नी है, वो भी सिर्फ चढ़ाई है, सिर्फ चढ़ाई, कोई ढलान है ही नहीं। और ऐसे में अपना हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो रहा है। सर कैसा लग रहा है, सर कैसा लग रहा है? बात तो सही है, बिल्कुल सही बोली है, एकदम सही। तो दोस्तों थोड़ा सा चढ़ाई चढ़ते चढ़ते इतना ज्यादा हालत खराब है, देखो फेस सब पसीना टप टप टपक रहा है। बोल दीजिए कभी मत आइएगा। और अगर आप लोग रिमिक्स फॉल हमारे जैसा साइकिल से आना चाहते तो आपको सिर्फ एक ही सलाह देंगे, प्लीज मत आना। ये जो दसम फॉल मेन व्यू पॉइंट से सिर्फ 1.5 किलोमीटर का फासला है, लेकिन जाने में तो जाने में तो इतना ज्यादा मजा आएगा रिमिक्स फॉल की मत ही पूछो, समझ लो कि जन्नत जन्नत होके जाओगे, सिर्फ ढलान ही ढलान। और आने समय समझ लो कि मौत के रास्ते चल रहे हो, किसी भी वक्त आपका मौत इंतजार करती होगी, बस इतना सा इशारा काफी है। और अभी तो 10-16 हो चुका है और हमारे कुछ दोस्त आगे निकल चुके हैं, लेकिन हम लोग चार कोई अभी भी साथ ही में ट्रेवल कर रहे हैं, और पता नहीं कब घर जाएंगे, आज पता नहीं, लगता 12 घंटा का यह बहुत लंबा ट्रिप होने वाला है। 2 hours later. तो दोस्तों काफी थकावट भरा राइड करने के बाद यहाँ पे हम लोग खाने के बाद राइड कर ही रहे हैं, और हम लोग खाने के लिए रुके हैं, और कुछ लोग खा के आगे निकल भी चुके हैं, और एक हमारा आयुष ददवा अभी तक दूर दूर तक नहीं, पता नहीं कितना पीछे रह गया है, समझ नहीं आ रहा क्या होगा। और अनमोल कुजुरदा गुलगुला खा रहे हैं। 2 hours later. 1 hour later. 11 minutes later. 2 very boring minutes later. 12 seconds later. 10 seconds later. A few moments later. तो देखिए दोस्तों बातों बातों में मैं ब्लॉग एंड करना ही भूल गया, बिकॉज मैं इतना ज़्यादा थक गया था ना, और साथ में मेरे एक दोस्त थे प्रियांश सर जिसको आप जानते हो, वो भी थक गए थे, तो हम लोग दोनों साथ में आ रहे थे और हम लोग काफ़ी सबसे पीछे थे हम लोग आते समय, बिकॉज हम लोग रुक रुक के आ रहे थे और हमारा पैर हाथ दिमाग सब जवाब दे रहा था, बिकॉज सूरज अपने चरम सीमा पे था और डिहाइड्रेशन भी हो रहा था, मतलब डिहाइड्रेशन का खतरा बढ़ते जा रहा था, बिकॉज पसीना काफ़ी ज़्यादा शरीर से निकल रहा था, और उस सुनसान रास्ते पे जल्दी दुकान नहीं मिल रही थी, पीने को पानी नहीं मिल रहा था, इससे दिमाग भी थक रहा था, पैर भी थक रहा था, पूरा शरीर ही थक रहा था। और हम घर आने में बहुत ही ज़्यादा देर लेट हो गई, लगभग हम लोग घर आए, मैं घर आया लगभग 6 बजे शाम को, ऐसा पहली बार हुआ है जब एक राइड लगभग अराउंड आपका वही 14 से 14.5-15 घंटा का राइड हुआ, और ये अराउंड 120-125 किलोमीटर का लंबा राइड था। तो होप करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो प्लीज़ एक लाइक, चैनल पर सब्सक्राइब, ताकि नेक्स्ट वीडियो भी इस तरह का आ सके, आप इंजॉय कर सके, और पानी में नहाए वो कैसा लगा ज़रूर बताना, और मिलते हैं आपको नेक्स्ट बढ़िया वीडियो में।